सीरिया में सालों चले खूनी युद्ध के बाद अब शांति आने की संभावना दिख रही है। सीरिया में तख्ता पलट करने का अमेरिकी सपना अब चकनाचूर हो गया है और अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वे सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट करना नहीं चाहता है। हालांकि अमेरिका ने कड़े शब्दों में चेताया है कि असद के शासन में यदि मौलिक या अमूलचूल बदलाव नहीं किए गए तो पुनर्निर्माण के लिए कोई मदद नहीं दी जाएगी। सीरिया में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जेम्स जेफरी ने वॉशिंगटन के थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में कहा, असद को समझौता करने की जरूरत है क्योंकि 7 साल से चल रहे खूनी संघर्ष में उन्हें अभी तक जीत नहीं मिल पाई है। सीरिया में अब भी करीब 1 लाख सशस्त्र लड़ाके मौजूद हैं। हम ऐसा शासन देखना चाहते हैं जो मौलिक रूप से अलग हो, और यह सत्ता परिवर्तन नहीं है क्योंकि हम असद से छुटकारा नहीं चाहते हैं। सीरिया को पुनर्निर्माण के लिए 300 से 400 अरब डॉलर की जरूरत का अनुमान जताते हुए जेफरी ने चेताते हुए कहा, बदलाव के बिना पश्चिमी देश और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं उसकी मदद नहीं करेंगी। पश्चिम का रुख एकदम साफ है कि जब तक सरकार समझौते को तैयार नहीं होती, खुद में बदलाव नहीं करती, तब तक उसे वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। गौर हो कि सीरिया में करीब 7 सालों से खूनी संघर्ष चल रहा है। यहाँ सरकार और विद्रोही गुट के अलावा आतंकी संगठन ISIS ने कत्लेआम मचा रखा है। जहां अमेरिका विद्रोही गुट को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करता दिख रहा था, तो वहीं रूस राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के साथ खड़ा रहा। फिलहाल ISIS सीरिया में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो वहीं विद्रोही गुट की भी अपने इलाकों में पकड़ कमजोर होती जा रही है। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से इस तरह का बयान आना सीरिया सरकार के लिए अच्छी खबर हो सकती है। अब देखना यह है कि नर्क बन चुके सीरिया में अमन और शांति कब तक बहाल हो पाती है।